जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान पेपर 2024। ठीक है प्रिय विद्यार्थी, जो आप फरवरी में पेपर देने जा रहे हैं उसके लिए ये देखा जाए तो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है, क्योंकि ये मॉडल पेपर किसके द्वारा, यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, जो विद्यार्थी 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए। यदि आप आखिरी रात देखते हैं तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो सकता है। हमने क्या कर दिया था, टोटल 7 सेटों का क्वेश्चन वाइज हमने क्या कर दिया, पूरे डिटेल में करा चुके हैं। तो आज हम पूरा देखने वाले मॉडल पेपर किसका, 2024 का। ऐसा नहीं कि हम केवल ये एमसीक्यू 10-20 ही बता के खत्म कर देंगे, जब तक पूरा डिटेल में ये खत्म नहीं होगा तब तक हम छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें भी संतुष्टि नहीं मिलती है। देखिए आधा अधूरा ज्ञान बहुत खराब होता है, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में भी क्या कर देते हैं, जब तक पूरा अच्छे से खत्म नहीं हो जाता एक सेट पेपर तब तक हम दूसरे सब्जेक्ट को भिड़ते नहीं कि आप दो क्वेश्चन इसमें करिए, चार क्वेश्चन उसमें, ऐसा नहीं। ठीक, तो आप अंत तक यदि बने रहेंगे तो आपको क्या कर देगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बना के मिलेगा। ठीक है, ये कक्षा 10 के लिए है। अब टाइमिंग की बात की जाए तो आपको 3 घंटा 15 मिनट के अंदर आपको खत्म करना रहता है। पूर्णांक की बात की जाए तो आपको 70 नंबर का है। यानी ये क्वेश्चन देखा जाए 2024 के हमारे जो प्री विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए यदि अति महत्वपूर्ण है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे पास क्या देखा जाए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब यहां पर क्या क्या कर देना है, हमें ध्यान से सुनिए। सबसे पहले 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलाता है। क अ और ब में इसे डिवीजन किया गया, अ और ब को फर्दर डिवीजन किया गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्योंकि यदि आप विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें क्या कर देता, बायो यानी जीव विज्ञान अलग रहता है, फिजिक्स आपका क्या रहता है अलग रहता है, और केमिस्ट्री क्या रहती है। ठीक है, यहाँ से केमिस्ट्री वाला पोर्शन क्या होता है, अलग रहता है। यानी तीनों अलग होने के नाते इसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड में इसे डिवीजन कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर देना, जो अ वाला पोर्शन रहेगा सारा पोर्शन बहुविकल्पी रहेगा, सबको ओएमआर सीट पे, किसमें ओएमआर सीट पे आपको करना रहेगा। याद रखिए ओएमआर सीट पे आप एक बार गुलिया दिए या टिक मार दिए हैं, ठीक है, तो आप वहां से थूक लगा के या इरेजर से या तुम क्या करते हो व्हाइटनर लगा के आप प्लीज उस पे कुछ ऐसे न करिएगा, क्योंकि ये सब कंप्यूटराइज चेक होता है। ठीक है, अब विकल्पी जो क्वेश्चन होता है हर एक एक नंबर का होता है, इसमें कोई माइनस मार्क वगैरह नहीं होता, आप 20 का 20 अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, तो आप चलिए यहां से हम क्या कर देते हैं, अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, मेन मुद्दे पर आते हैं तो आपका काम हो जाएगा यहां से। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज आप जान रहे हैं। ठीक है, बहुविकल्पी उपखंड क्या हो जाएगा, अभी ध्यान से सुनिए, याद देखिए, यदि आपको आता है तो पॉज करके आप प्लीज आप वहां से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, यहां पर आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। यहां लिखा है दो पृष्ठ से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक, ठीक है, एक दोनों पृष्ठी गोली होते हैं वो कहलाते क्या, यानी दो पृष्ठों से, मतलब एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है, और ये क्या होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, ये कहलाता है लेंस कहलाता है। अब गोली से काटा गया तो इसलिए से क्या बोला जाता है, गोली लेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोली लेंस। तो गोली दर्पण पहला ऑप्शन, दूसरा त्रिज्या, दर्पण तो होगा नहीं क्योंकि दर्पण आर पार नहीं होता, उसमें एक ही साइड अपना चेहरा आप दे सकते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर पारदर्शी नहीं दिया रहता तो यही सही हो जाता। ठीक है, मगर ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। ठीक है, पारदर्शी है तो आर पार आप ध्यान से देख सकते, त्रिज्या तो होगा नहीं, तो गोली लेंस क्या हो जाएगा, आपका एग्जैक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या हो जाएगा, पहले का प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो तुम्हारे पास क्या होता है, लिखा है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, मतलब जो डॉक्टर डॉक्टर होते हैं ना दांत वाले, वो देखेंगे तो दांत का जो अंदर वाला देखना रहता है कि कहां कुछ सूजन है या कहीं कोई बीमारी है, तो उसे देखने के लिए दर्पण का प्रयोग करते हैं, उस दर्पण का नाम होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। तो यहां पहला दे रखा अवतल दर्पण, दूसरा समतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण या सभी, तो ये क्या किस पे टिक मारेंगे आप, अवतल दर्पण पे मारेंगे, किस पे मारेंगे, अवतल दर्पण पे आपको क्या कर देना है, टिक मारना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर तीन क्या लिखा है, किसी उत्तल लेंस के सामने, ठीक है, उत्तल लेंस के सामने क्या कर देता है, यानी कितने पे, यफ पे, कितने पे,
यानी 2f और अनंत के बीच में, 2 और f के अनंत के बीच में रखते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले आप क्या कर देते हैं, यहां से मान लेते हैं आप उत्तल लेंस ले लिए, ठीक है, तो यहां से क्या कर देंगे f वाला पॉइंट और यहां से क्या हो जाएगा 2f वाला पॉइंट, और इधर कहीं आपका इंफिनिटी है, 2f और f के बीच में यहां पर आपको कहीं एक वस्तु रखनी है, क्या यहां पर वस्तु रखनी, सीधी जाती है तो क्या हो जाती है इधर से चली जाती है और क्या करती है वक्रता केंद्र से जाती है यहां पर, तो यहां पर आपका प्रतिबिंब कहीं बनेगा। तो ये बताओ बुक में देखेंगे तो आप एग्जैक्ट इसे कैसे बनता है वहां पर समझ जाएंगे। 2f और अनंत के बीच में कोई वस्तु रखा गया तो प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा ध्यान से सुनिए, देखिए पहले तो रखा वास्तविक बनेगा या उल्टा बनेगा या छोटा बनेगा, तो ये तो हो जाएगा नहीं, वास्तविक इधर देखा जाए तो प्लस और इधर देखा जाए तो माइनस, इधर जब बनेगा तो वास्तविक बनेगा, इधर तुम्हारे पास क्या बनेगा यानी इधर बनेगा तो आभासी बनेगा, ठीक, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि प्रतिबिंब यहां बन रहा है, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, वास्तविक वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा बड़ा बनेगा, तो वास्तविक होगा नहीं, आते हैं किस पे नेक्स्ट पे, आभासी बनेगा उल्टा बनेगा या बड़ा बनेगा, ठीक है ये हो गया। अब यहां पर आभासी सीधा और बड़ा बनेगा, तो ये देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, आभासी बनेगा सीधा बनेगा और तुम्हारे पास क्या बनेगा बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा ठीक है उल्टा बन रहा भाई, ये तुम्हारे पास उल्टा बन रहा, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस पे, यानी आभासी बनेगा उल्टा बनेगा और क्या होगा वस्तु से बड़ा बनेगा, तो क्या हो जाएंगे ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा सी वाले ऑप्शन पे आप क्या कर देंगे टिक मार देंगे इसके बारे में, ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। एक बार कंफ्यूजन भाई, ठीक है इसे एक बार तुम रुक जाओ, इसे तुम कंफ्यूज एक बार इसे कंफर्म कर लेना, ठीक है इसे कंफर्म कर लेना, ठीक रुक जाओ कंफर्म ही कर लिया जाता है कोई टेंशन, ठीक, तो ये आपका सामने ये दे रखा है, इसे ध्यान से सुनिए, देखो इसमें भी क्या रखा है वस्तु को 2f और अनंत के बीच में रखा गया, तो देखिए सबसे पहले उन्होंने उत्तल लेंस बना लिया, ठीक उत्तल लेंस बना लिया, तो ये वस्तु को यानी 2f और इनफाइनाइट के बीच में यहां पर रख दिया, सीधी गई यहां पर क्या हो जाएगी फोकस से आती हुई प्रतीत, मतलब ये यहां पर बन रहा, तो ये देखा जाए तो क्या बनेगा वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा वस्तु से छोटा बनेगा, ये वाला अंडरलाइन कर देना, ठीक है ये वाला अंडरलाइन कर देना, इसलिए हम बोले कंफर्म, यानी वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा ये, क्योंकि एग्जाम टाइम है तो ये सब कंफर्म करना बहुत कंपलसरी है भाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इज द करेक्ट ऑप्शन, ये देखा जाए तो यानी इसमें ये गाइड में ही मारा हुआ है, ठीक है यही क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला, यानी तीसरे का पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, यहां पर लिखा है तुम्हारे पास ध्यान से सुनिए, लिखा है मानव नेत्र अभिनेत लेख लेंस के फोकस दूरी को समायोजित करके दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकस करता है, तो ऐसा यानी पाए जाने को कारण को क्या कहते हैं, जैसे मान लेते कोई दूर की वस्तु रहती है तो हम आंखों की जो रेटिना होती है फोकस दूरी को एडजस्टमेंट करके हम क्या कर देते हैं वस्तु को स्पष्ट रूप अपनी आंखों के अंदर प्रतिबिंब उसे बनाते हैं, मतलब उसे पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं यानी समंजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं समंजन बोलते हैं, तो पहला दे रखा जरा दृष्टि दोष तो ये होगा नहीं, समंजन यानी ये वाले तुम्हारे पास हो जाएगा पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, मतलब एडजस्टमेंट करना फोकस दूरी को अपनी आंखों के अंदर वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं समंजन, तो ये वाला क्या हो जाएगा समंजन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पांचवा नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछा है, पांचवा नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, इसे ध्यान से सुनिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन अ और ब मतलब ए और बी में तुम्हें एसआई मात्रक दिया, इसे पहले मिलाना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसे तुम्हें टिक मारना, तो ध्यान से सुनिए ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे क्या, ठीक है भाई तू क्या कर रहा सीधा बोले, ठीक है यहां पर क्या लिखेंगे विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर यानी वी, वी की वैल्यू क्या होती है वोल्ट होती है, यानी पहले का क्या हो जाएगा चौथे पे हो जाएगा, ठीक है पहले का क्या हो जाएगा चौथे, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर होता है, तो एम्पियर पे हमने मार दिया, विद्युत शक्ति का जो क्या होता है मात्रक जो होता है विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, तो हमने क्या कर दिया वाट पे मार दिया, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम, तो हमने क्या कर दिया ओम पे यहां से टिक लगा दिया, याद रखिए विद्युत विभवांतर वी, वी का मात्रक वोल्ट होता है यहां पर ठोक दिए, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है यहां ठोक दिए, विद्युत शक्ति का मात्रक होता वाट हमने यहां ठोक दिया, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम तो हमने यहां ठोक दिया, तो ये अब यहां पर मिलान, अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, पहले पे चलते हैं यानी पहले का चौथा यानी ये वाला सही है, ठीक अब दूसरे पे आते हैं, ठीक दूसरा विद्युत धारा का यानी दूसरा यानी विद्युत धारा का क्या हो जाएगा दूसरा, तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा विद्युत धारा का एम्पियर, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, दूसरे पे चलते हैं, ठीक दूसरे पे चलते हैं विद्युत धारा को क्या कर देते हैं, ठीक है ये पहला, तो ये भी तुम्हारे पास रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये पहले मिला, ये भी पहले मिला, इस पे आ जाते हैं मैच करा लेते हैं,
विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट, यानी पहले का चौथा ये सही है, दूसरे नंबर पे आते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ये भी सही है, तीसरे पे आते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट, यानी दूसरे मिला है, ये भी सही है। मतलब ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे आपको क्या कर देना, मिला के ठोकना भाई, ठीक है, अपना काम ऐसे ही बनना चाहिए। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछा है, कह दिया है दो चालक तार जिनकी पदार्थ की लंबाई, मतलब यल की वैल्यू, दोनों की यल की वैल्यू और व्यास डी की वैल्यू दोनों की क्या हो गई है, सेम है। चलिए हमने मान लिया, सबसे पहले उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, फिर पाश्व क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी या पाश्व क्रम में ऊर्जा मतलब एच की तुम्हें क्या कर देनी है, वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, एच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसका जो अनुपात होता है, तो दोनों को अनुपात एक बार श्रेणी क्रम में रखेंगे एक बार, और किसमें रखेंगे, एक बार किसमें रखेंगे, पाश्व क्रम में रखेंगे। तो ये जो अनुपात आएगा, 4:1 आएगा, कितना आ जाएगा, 1:4 आएगा, कितना, 1:4 आपका आंसर आएगा इसके बारे में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 तुमसे लिख रखा है, लिखा है किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कहने का मतलब क्या कर देते हैं, सबसे पहले आपको क्या कर देना है, एक लोहे की ऐसी रॉड लोनी या सोलेनाइड बनाना, क्या बनाना है, सोलेनाइड, इसके ऊपर क्या कर देना है, ऐसे क्वाइलिंग करके और यहां से करके, यहां से करके यहां और यहां से करके यहां लगा देने, ठीक है। तो ये लगाने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, यहां से जब धारा को बहाया जाता प्लस से माइनस की तरफ, तो ये तुम पोल पे जाओगे, क्योंकि ये नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जब जितना तुम पोल वाले ध्रुव वाले रीजन पे जाओगे, तो चुंबकीय क्षेत्र उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो ये तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, पहले देखा है शून्य, तो ये भी रॉन्ग, ये तो नहीं होता, ठीक। इनके सिरों की, ठीक है, ओर जाने पर घटता, अभी क्या बोले, ओर जाने पर बढ़ता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ पोल से देखो निकलती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं साउथ पोल की तरफ इंटर करती हैं, तो पोल वाले रीजन की तरफ, यानी ध्रुव वाले रीजन पे क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र की मात्राएं क्या होती हैं, ज्यादा होती है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र होता है, बेंजीन, बेंजीन का यदि फार्मूला देखेंगे C6 होता है, H6 होता है, जिस पे बैठेगा उस पे आपको चिपका देना है, ठीक है। तो यहां पर पहला ऑप्शन दे रखा है कार्बन 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 दे रखा, तो मतलब 6 कार्बन सही है। हाइड्रोजन की बात आती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 3, 2, 6 सही है, मगर यहां पर देखा जाए बॉन्डिंग की देखा जाए तो तुम्हारे पास थोड़ा सा दिक्कत है। तो ये बात क्या हो जाएगा, अल्टरनेट बॉन्ड होता, मतलब एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक, इसमें तो हाइड्रोजन ज्यादा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। मतलब ये वाला ऑप्शन देखा जाए तो एक छोड़ के एक, यहां पर डबल बॉन्ड, एक छोड़ के यहां, मतलब ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका केमिस्ट्री वाले पोर्शन से बेंजीन से दिया गया है, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, ठीक है, मतलब ये होगा वो वाला, तो मतलब इसमें कौन सा सही है भाई, यहां पर हम इसमें मार दिया है, मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब 8वें का क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। 9वां नंबर तुमसे क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से समजाति श्रेणी होती, यानी होमोलॉगस सीरीज किस पे है, तो देखिए जो उस पे फार्मूले पे जो बैठेगा उसी पे आपको क्या कर देना, लाके चिपकाना है, ठीक है। तो सबसे पहला देखा जाए C2 यानी CH4, भाई की हो रहा है तू भाई, ये सब काहे बेइज्जती करा रहे हो यार, सीधा हो जा भाई, ठीक, ये दे रखा, ठीक है। तो यहां पर बताओ इनमें जो होमोलॉगस सीरीज के अंतर्गत आता उसी पे टिक मार देना। पहला देखा जाए, यानी ये देखा जाए तो एक किस पे फार्मूले पे बैठ रहा है, एल्केन पे बैठ रहा है, किस पे, एल्केन पे, जो फार्मूला होता है CN होता है H2, ठीक है, H2N और प्लस में कितना होता है 2, मतलब ये देखा जाए इस पे बैठ रहा है कि नहीं। देखिए यदि तुम n रखोगे 1 की वैल्यू, यानी n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 × 1=1, 1 × 2 = 2 होता, 2 × 2 = 4, मतलब ये एल्केन पे बैठ रहा है, इस पे आते हैं, ठीक है, ये भी एल्केन पे बैठ रहा, मतलब ये वाला होमोलॉगस दोनों जो श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ठीक, ये बैठ रहा, इस पे आते हैं, इस पे देखा जाए तो OH यानी एल्कोहल ग्रुप, दूसरा में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं C2H6, मतलब ये एल्केन ग्रुप है मगर यहां एल्कोहल ग्रुप है, तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग। समजाति मतलब ये कहीं जाति के होने चाहिए, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, मगर इसमें देखा जाए तो एल्कोहल ग्रुप, इसमें भी एल्कोहल ग्रुप, मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही है, क्योंकि ये दोनों एल्कोहल ग्रुप है, तो जाहिर सी बात समजाति श्रेणी के अंतर्गत आएगा, ठीक। तो इस पे आपको क्या कर देना, टिक मार देना। अब बताओ यानी पहला और चौथा सही है, तो इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, पहला चौथा यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपको ढूंढ के पीट देना है, ठीक है। आ जाते हैं किस पे, 10वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिखा है पृथ्वी के भूपपटी पर में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं, मतलब जो भूत हमारी प्रॉपर्टी पे पाया जाता है प्राकृतिक रूप से, वो हमारे पास तत्व और यौगिक कहलाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, अयस्क बोला जाता है, या गैंग बोला जाता है, या खनिज बोला जाता है, या धातु बोला जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है, खनिज बोला जाता है, क्या बोला जाता है,
खनिज बोला जाता था। तो आपको क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां पर कहीं कहीं देखा जाए तो बुक वगैरह में, ठीक, नेट वोट पे देखेंगे तो गैंग भी आता है, मगर बुक एनसीईआरटी में साफ साफ लिख रखा है उसे क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। तो आप खनिज पे क्या कर देना, टिक मार देना, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछा है, दांतों का क्षय कब आरंभ होता है, दांता मतलब जो हमारा दांत का क्षय मतलब दांत का सड़ना कब स्टार्ट हो जाता है, इसे तुम्हें बताना पड़ेगा। तो यानी दांतों का क्षय कब स्टार्ट होता है मतलब कब आरंभ होता है, पहला दे रखा मुंह का पीएच यदि तुम्हारे पास 5.5 से अधिक होता है तो। अब देखिए इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यदि हमारे मुंह का पीएच लेवल घटेगा मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो हमारा दांत का क्षय होगा। आपको यहां पर हम क्या कर देते हैं, स्केल बना दिखा देते हैं, ये 7 हो जाएगा, इधर जाएंगे 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10, इधर तुम्हारे पास क्षार प्रकृति होती है, ठीक। इधर यदि देखा जाए 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3, 2, 1 हो जाए, इधर तुम जाओगे तो तुम्हारे पास क्या होगी, अम्ल की प्रकृति बढ़ती चली जाएगी, किसकी, अम्ल की प्रकृति। अब बताओ हमारे मुंह में जो अम्ल पर बढ़ेगा तो हमारा दांत सड़ेगा, तो इस पर देखो अम्ल की प्रकृति, तो यानी 5.5 से कम होगी, 5.5 इधर जाएंगे तो कम होगा ना, तो 5.5 से क्या हो जाएगा, कम। इस पे तुम ध्यान से सुनना, हम बोलेंगे एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो दांत सड़ेगा, तो लोगों को लगेगा अच्छा बढ़ रहा, तो इस पे टिक मार देंगे भन से, नहीं, आप यही ध्यान से यही चीजें पकड़नी है क्योंकि एग्जामिनर आपको घुमा रहा है, आपको टिक मार देना इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है 12 नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछा है, पहला दे रखा कथन 1 और कथन 2 दे रखा, लिखा जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, इस अभिक्रिया को विस्थापित यानी विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, मतलब ये 150% सही है, मतलब क्या देता है H2SO4 है और ये क्या कहते हैं जेडियन से रिएक्ट करके, ठीक है, यहां पर क्या बनाता है JnSO4 बनाता है प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है, ये तो हमारे पास सही है एकदम से 150%। नेक्स्ट पे आते हैं, जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है जिंक ऑक्साइड बना जाता है, मतलब क्या हो गया जिंक हो गया प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Jn, ठीक है, JnO बना देता, मतलब इससे तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक, ये तुम्हारे पास नहीं है। तो यहां पर बताओ क्या होता है, ये वाला तो अभिक्रिया सही है, पर आप यहां पर ऑप्शन पे आते हैं दोनों, ठीक है, दोनों अभिकथन फर्स्ट और सेकंड सही है और तर्क सेकंड भी स्पष्टीकरण है, यह स्पष्ट नहीं कर देता, ठीक, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। बी वाले पे तुमसे पूछा है, बी वाला तुमसे कह दिया क्या लिखा है, अब यानी अभिकथन फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है परंतु तर्क तुम्हारे पास स्पष्टीकरण नहीं, ये भी तुम्हारे पर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, जो सही है उसी पर मानना, अभिकथन फर्स्ट सही है परंतु तर्क तुम्हारे पास क्या हो गया गलत कथन है, तो यानी आपको किस पे मानना है सी वाले आपने, क्योंकि इससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये विस्थापन अभिक्रिया है और ये भी तुम्हारे पास क्या होगा संयोजन अभिक्रिया है, कौन सी संयोजन अभिक्रिया, तो दोनों अलग अभिक्रिया, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा 12 नंबर का सी वाले ऑप्शन पे आपको क्या कर देना टिक मार देना, ठीक। नीचे कि जो कथन दिया गया इसे आपको कंप्लीट करना है, सबसे पहले दे रखा है NaOH किसके साथ इसमें से अभिक्रिया करता है, तो हमारे पास सोडियम एसीटेट बनाता है प्लस में वाटर बनाता है, हमें बताओ यहां पर क्या रख दिया जाए, तो सबसे पहले बताओ यदि हम यहां पर क्या रख दें CH3COOH रख दें, तो ये जो H क्या करेगा इस OH के साथ बाइंड कर जाएगा, इन दोनों OH के साथ बाइंड कर देगा, पानी निकाल देगा, और ये वाला पूरा क्या करेगा सोडियम के साथ बाइंड करके सोडियम एसीटेट बना देगा, तो मतलब यानी CH3COOH कहां दिया, तो मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 150% सही हो जाएगा, इसी तरह से आपको कर देना है इसका क्वेश्चन का आंसर, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, पलट देते हैं भाई, ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें पूछा है तुम्हारे पास अंतः श्वसन के दौरान वायु परिवहन का सही क्रम बताओ, मतलब जो हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक के द्वारा लंग्स में जो जाता है उसका सही तुम्हें क्रम बताना, क्या बताना है सही क्रम बताना है, ठीक है, सही क्रम बताना। तो आप आते हैं मेन पोथ पे, पहले नस द्वार होता है, कंठ होता है, ग्रसनी होती, श्वास नली, फेफड़ा, मतलब ये तुम्हारे पास पहले देखो कंठ आ गया तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, सही क्रम बताना है। नसा मार्ग होता तो ये तुम्हारे पास नहीं, पहले नसा द्वार होता तो ये भी तुम्हारे पास रॉन्ग हो जाएगा, कंठ ये भी तुम्हारे पास रॉन्ग हो जाएगा, कंठ नहीं, सबसे पहले हमारे नसा द्वार, नाक की जो द्वार होती है उसे नसा द्वार कहते हैं, तो ये वाला आपसे क्या हो जाएगा ऑप्शन आप क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से आपको क्या कर देंगे 14 नंबर का डी वाला पोर्शन आपका सही है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है निम्नलिखित कथन का, ठीक है, कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों का सही तुम्हें क्या कर देना आंसर देना, मतलब ये सबसे पहले पढ़ना कथन और कारण बताना है, ठीक है, इसमें जो सही रहेगा उसे आपको टिक मारना, याद रखिए। लिखा सबसे पहले पिता के प्राप्त क्रोमोसोम बच्चों का लिंग निर्धारित करता है, 150% सही है, क्योंकि मम्मी में देखा जाए तो यक्ष यक्ष होता है और पिता में क्या होता है यक्ष, यही निर्धारित करते बच्चा जो पैदा होगा लेडीज होगी कि
गर्ल्स होगी, मतलब सॉरी यानी गर्ल्स होगा कि बॉय होगा, ये कथन सही है। मानव पुरुष में यक्ष और वाई गुणसूत्र होते हैं, यक्ष और वाई गुणसूत्र होते हैं, ये भी सही है, ठीक है, मतलब ये इसे सेटिस्फाई करता। तो आप आते हैं ऑप्शन पे, कथन और कारण दोनों सत्य है, 150% सही है, कथन कारण को सही व्याख्या करता है, भाई इस पे तुम टिक मारो, कोई टेंशन नहीं, ये तुम्हारे बायो से है। कहने का मतलब क्या होता है, जो पिताजी होते हैं उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, यही लिंग को निर्धारित करता है कि मेल होगा कि फीमेल होगा, और वही चीजें यहां से लिख के ये मतलब इसे सेटिस्फाई करता, तो ये भी कारण क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया 15 नंबर का। 16 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, सामने, ठीक है, इसमें से कह दिया कौन सा सीक्वेंस आपको क्या होगा, सही होगा, ये न्यूरॉन सिस्टम से है, मतलब नर्वस सिस्टम से है। देखिए ये ए वाला पोर्शन है और ये तुम्हारे पास बी वाला है और यहां से सी वाला है और ये डी वाला पोर्शन है, ठीक है। तो देखिए एक न्यूरॉन, जब एक न्यूरॉन क्या कर देता है, एरो देखिए, ये एक न्यूरॉन इसे देता है, फिर इसे देता है, फिर इसे, मतलब यही सही है जी, कहां तुम भाग रहे हो, ठीक, ऐसा तो होता नहीं है, एक न्यूरॉन का जंक्शन इससे मिलता है, फिर अगला न्यूरॉन इससे जंक्शन से अगले से मिलते चला जाता है, मतलब ए वाला सी ऑप्शन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है। 17 नंबर क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया है, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन यहां से आपके सामने पूछ दिया है, कह दिया थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन गलत है, गलत याद रखना, गलत याद रखना, गलत, इसे अंडरलाइन तुम करो पहले, ठीक है, यही तुम्हें देखना है। लिखा थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लॉ आवश्यक है, दूसरा, ठीक है, यह शरीर के कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा को उच्चारण करता है, निगमन करता है, यह सही है, या तुम्हारे पास थायरॉक्सिन का संश्लेषण करने के लिए थायराइड ग्लैंड के आयोडीन की आवश्यकता होती है, यह सही है, या तुम्हारे पास थायरॉक्सिन की थायराइड हार्मोन की आवश्यकता होती है, याद रखना थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है जो हमारे यहाँ नेक वाले रीजन पे पाया जाता है थायराइड ग्लैंड, उसमें थायरॉक्सिन बनता है, उसके लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए बताइए, आयोडीन चाहिए, मतलब क्या होता है आयोडीन चाहिए, तो इसमें लोहा वाला कहाँ है, लोहा, ये तो लोहे की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं पूछा तो ये क्या हो जाएगा आपका 17 नंबर का ए वाला पोर्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से आपको क्या कर देना, यहाँ से पीट देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा जल्दी चलते हैं, ठीक है, क्योंकि लेंदी हो जाएगा। इसमें पूछा ए बी सी, तो तुम्हें बताना है ए और बी सी के बारे में बताना, याद रखना एक तुम छोटा सा ऐसे बीज बनाओगे तो ऐसे दो पार्ट निकलते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है ये जो कहलाता है रेडिकल कहलाता है, क्या कहलाता है रेडिकल, देखो आर से रेडिकल होता है, आर से रूट होता है, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा रेडिकल हो जाएगा, आर से रूट हो जाएगा, आर से रेडिकल हमेशा नीचे जाता है, ये वाले को हम क्या बोलते हैं प्लोम्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्लोम्यूल, जो क्या बनाता है सूट बनाता है, वाला पार्ट बनाता, और ये वाला जो पोर्शन होता है कॉटिलीडन भोजन प्रदान करता, तो इसमें से बताना कौन सा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, पहला देखा जाए, ठीक है, पहला देखा जाए तो बीज पत्र, ए वाला बीज पत्र नहीं है, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, ए बी सी दे रखा, ए बी सी दे रखा, सीक्वेंस याद रखना, ठीक है, बी वाला ऑप्शन क्या दे रखा है, परारूप दे रखा है, परारूप दे रखा है, मूलारूप दे रखा है, मूलारूप ये थोड़ी ना है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। यहां पर आते हैं, पहले दे रखा परारूप, बीज पत्र, ये बीज पत्र है, परारूप मतलब ऊपर जाएगा, नीचे वाला तुम्हारे पास क्या होगा मूलारूप, तो मतलब ये वाला सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन यहां से हो जाएगा, ठीक। ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट पे आते हैं, यहां से 19 नंबर क्वेश्चन, यहां से हमसे क्या पूछ दिया है, ध्यान से सुनिए, लिखा है जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतानी परस्पर क्या होती, समानता होती, सही है, मतलब अलैंगिक प्रजनन होता है, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हमें देख, यानी जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें समानता देखने की मिलती है, तो इसमें से कह दिया कौन सा ट्रीटमेंट यानी सही है, उस पे से यहां पर तुम्हें टिक मारना। सबसे पहले लिखा जाए, ठीक है, पहले देखा जाए तो अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनन की आवश्यकता होती है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो केवल एक का रहता, चाहे मेल, उनमें मेल फीमेल देखा ही नहीं जाता है, चाहे एक ही इंडिविजुअल की जरूरत होती, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। नीचे क्वेश्चन पूछा अलैंगिक जनन में युग्मों का यानी क्या होती है, यानी लिखा है जनन में युगल, ठीक है, युग्मक शामिल नहीं होता, मतलब जाइगोट नहीं बनता, तो ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा जाइगोट, क्योंकि मेल जाइगोट बनने के लिए मेल और फीमेल चाहिए, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अलैंगिक जनन में अलैंगिक जनन से पहले होता, मतलब पहले अलैंगिक जनन होता फिर लैंगिक जनन होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन के बाद होता, तो ये भी तुम्हारे पर रॉन्ग हो जाएगा, इससे लेना, मतलब पहला दूसरा सही है, कहां पर ऑप्शन दिया पहला दूसरा, मतलब ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। एमसीक्यू का लास्ट एंड फाइनल वाला पोर्शन तुमसे यहां दे रखा, एक आहार नाल श्रृंखला में तीसरे पोषी, ठीक है, तीसरे पोषी में कौन सा होता है, देखिए अब आहार नाल देखेंगे, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होता है हर्बीवोरस होता है, हर्बीवोरस मतलब जो साग पात खाते हैं, यानी शाकाहारी लिख देते हैं, ठीक है, यहां पर क्या लिख देते हैं शाकाहारी लेते हैं, अब शाकाहारी, ठीक है, तुम्हारे पास, सॉरी,
शाकाहारी नहीं जी, यहाँ पर पहले पेड़ रहेगा ना, यहाँ पर क्या रहेगा, पेड़, पेड़ को रहेगा, पेड़ मतलब को हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं, ये तुम्हारे पास उत्पादक होता, उत्पाद के हर्बिवोरस खाएगा, हर्बिवोरस का तुम्हारे पास कौन खाएगा, हर्बिवोरस को जैसे यहाँ पर मान लेते कौन खा लिया, ये मान लेते पेड़ है, ये पेड़ है, पेड़ को खा लेते मान लेते कोई बकरी खा गई, क्या खा गई, बकरी, बकरी पे मान लेते मांस खाने वाला यहाँ पर शेर है, ठीक है, शेर खा गया, शेर तुम्हारे पास क्या होता है, मांसाहारी होता है, क्या होता है, मांसाहारी, तो एक लेवल, दो लेवल, तीन लेवल, हमसे क्या पूछा, तीसरा लेवल, तीसरे लेवल पे कौन आते हैं, मांसाहारी आते, कहीं दिया है मांसाहारी पे, अब क्या कर देना, टिक तुम मार देना, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, इतना कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, ठीक है, आपका यहाँ पर अब जो रहेगा, ठीक, अब इधर थोड़ा सा तेजी से चलते हैं भाई, ठीक है, यहाँ से आपका यहाँ पर, अब यहाँ से तुम्हारे पास पहले फिजिक्स का यानी ब वाले पे पहले खंड अ स्टार्ट होता है, खंड क यानी फर्स्ट वाला स्टार्ट होता है दो नंबर का, देखिए ए एफ करेंगे तो दो नंबर, ये करेंगे तो दो नंबर, दो दो तुम्हारे पास चार नंबर, ये दोनों को अटैम्प करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पूछा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, यदि आप आंख वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उससे आप बढ़िया से पढ़े होंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं आपके सामने यहाँ दिखा देते हैं, लिखा है दृष्टि दोष किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जब आंख का समंजन क्षमता छीण हो जाती है तथा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, दृष्टि धुंधली हो जाती है, तो आंखों को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं, मतलब सिंपल सा लिख देना, हमारे आंख में कोई गड़बड़ी हो जाती है जिससे हमें वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, उससे हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। यह देखा जाए तो तीन प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष होते हैं। तो इतना आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका दो नंबर मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट यहां से आप लेते चलिए, ठीक है, यही थोड़ा थोड़ा लेते चलिए, कोई टेंशन नहीं, लेते चलिए, बन 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 मारिए इसे, ठीक है, यहां पर आप क्या कर दिए, इसे टिक मार दिए, यानी आपका यह वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे 12 यानी कि आपका पूछा ये, हमें प्रकाश, ठीक है, आकाश में इंद्रधनुष केवल बरसात के पश्चात ही दिखाई देता है, ऐसा क्यों, रीजन बताना है, दो नंबर का है, ठीक, तो आपके सामने ये हो गया। इन सबका हम शॉर्ट वीडियो बना दिए हैं, लिंक में उसमें बात डाल देंगे, वहां से आप एक एक करके उसे भी एक्सप्लेन करके अच्छे से, मतलब 10-10 मिनट एक्सप्लेन किए हैं, ठीक, चलिए हम मगर पढ़ लेते हैं ये वाला। लिखा वर्षा के पश्चात वातावरण में मौजूद वर्षा की बूंद एक प्रिज्म की तरह काम करती है और अपवर्तित बिखरती हुई आंतरिक रूप से सूर्य की प्रकाश में प्रकाश को प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंबित करती है, जिसके बाद अंतिम परावर्तन के बाद परावर्तन होता है जो फैलकर हमारी आंखों पर पड़ता है, यानी पूरा कर्म प्रकाश के वर्षा के बाद इन धनुष का निर्माण करता है। कहने का मतलब क्या कर देता है, सबसे पहले देखिए ये हमारे पास क्या होगा, जल की बूंदें हो, जल की बूंदें कब होती हैं, यानी वर्षा के पश्चात जब होता तो बल की जब हमें जल की जो बूंदें होती हैं किसकी तरह बिहेव करती हैं, वो करती हैं प्रिज्म की तरह। यहाँ पर बताओ सूर्य की लाइट आती है तो ये क्या हो जाती है, कुछ एंगल पे एक्चुअल में ये डिविएट हो जाती है, ठीक, इसे को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब नहीं प्रकार का यहाँ से परावर्तन सही है, ठीक है, नहीं पहले यदि देखा जाए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता तो अपवर्तित होता, क्या होता है, यहाँ से अपवर्तित होती है, क्या होती है, अपवर्तित होती है, अब यहाँ के अंदर आके यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसके अंदर परावर्तित होगी, फिर अपवर्तित होकर तुम्हारी आंखों पे पड़ेगी, जिससे तुम्हें ये वस्तु जो भी रहेगी स्पष्ट रूप से नीले कलर की, मतलब सात कलरों में दिखाई देगी, मतलब विबग्योर के फॉर्म में क्या करेगी, तुम्हें दिखाई देगा, विबग्योर के फॉर्म में दिखाई देगा। अरे से आप कपड़ा वपड़ा धोते हैं तो देखेंगे यानी बुलबुला बन जाता है, उस पर जब लाइट पड़ती देखेंगे सातों कलर में थोड़ा सा विजिबल होता है, तो वही सेम टू सेम सिचुएशन हमारे इंद्रधनुष के ऊपर होता है। आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट के लेकर पढ़ लीजिए, ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, दो नंबर का, अवतल लेंस और उत्तल लेंस का, ठीक है, उपयोग बताना, कितने नंबर का, दो दो चार नंबर का, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, दो दो आपका चार नंबर यहां से बनने वाला है भाई, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, देखिए अभी उत्तल लेंस क्या कहता है, कहीं से लाइट यदि पैरेलल आती तो एक जगह इकट्ठा कर देता, इसीलिए इसे अभिसारी लेंस बोलते। तो लिखा क्या, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, इस कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए प्रकाश का स्रोत है, यहां से आया और एक जगह इकट्ठा कर दिया, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। अब हमें क्या, अवतल और उत्तल लेंस का तुम्हें उपयोग बताना, एक एक नंबर का, तो यहां पर एक एक नंबर, एक नंबर इससे मिल जाएगा, एक नंबर इससे, दो नंबर बन गया।
अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता, दाढ़ी बनाने के काम आता, नाक कान गाना वाले जो व्यक्ति रहते हैं वो प्रयोग करते हैं, सोलर कुकर सर्च लाइट मोटर में हम काम करते हैं, ठीक है। और हमारे पास उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है, यानी हमारे पास जो गाड़ी होती है गाड़ी के बगल वाला जो शीशा होता है पीछे वाहनों को देखने की आसानी के लिए हम क्या कर देते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया, इस पर यहाँ से हो गया, ठीक है। तो इनके बारे में ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड में तुमसे क्या पूछा है, याद रखिए, ठीक। थर्ड वाला क्या पूछा है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, दो दो नंबर का दिया, देखो दो दो नंबर का, यहां से चार नंबर यहां से आपको बनने वाला है, लिखा है, ठीक है, लिखा है तुम्हारे पास क्या होगा, किसी चार ओम प्रतिरोध के, ठीक है, प्रतिरोध से प्रति सेकेंड 100 जूल उष्मा उत्पन्न की जाती है, तो प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर ज्ञात करना, क्या कर देना तुम्हें, विभवांतर ज्ञात करना, क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना। आप देखिए थोड़ा सा इसे हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक हम सॉल्व नहीं करते हमें भी संतुष्टि या मिलती नहीं यार, मजा नहीं आता हमें भी। लिखा कर पहले देखो वैल्यू छांट लो, ठीक है, कर का 4 ओम प्रतिरोध मतलब आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है, ठीक है। अब प्रति सेकेंड मतलब टी की जो वैल्यू है प्रति सेकेंड मतलब एक सेकेंड वो चल रहा, क्योंकि पर सेकेंड चल रहा, कितनी ऊर्जा दे रहा, 100 जूल ऊर्जा दे रहा, मतलब एच की वैल्यू देखी जाए तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 जूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 जूल हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा क्या जी, विभवांतर वी, यानी वी तुम्हें वैल्यू पूछा है, तो आप पढ़े होंगे, ठीक है, फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, एक फार्मूला पढ़े होंगे, एच बराबर हमारे पास क्या होता है, वी का स्क्वायर टी अपान में कितना होता है आर, ये आप फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक, वैल्यू चिप का ये आंसर आने वाला है। 100 का एच की जगह क्या करोगे, 100 रखोगे, बराबर वी की जगह हमें पर नहीं पता ही हमसे पूछा, तो वी का स्क्वायर कर देते हैं, टी की वैल्यू एक सेकेंड मतलब एक के गुणा बटे में आर, आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 4, तो यहां पर हम क्या कर दिए, 4 रख दिए, इसे गुणा यहां पर कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 400, अब एक का गुणा करेंगे तो हमारे पास एक ही आएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक, ये हो गया। अब बताओ वी का स्क्वायर, तो वी बराबर ये क्या हो जाएगा, करड़ी में कितना हो जाएगा, 400, तो वी बराबर ये किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर, किसका, 20 का स्क्वायर, मतलब 20 वोल्ट तुम्हारे पास क्या हो गया, आंसर यहां से आ गया, तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में, आप यहां से हम दिखा देते हैं, देखिए यही आपका क्वेश्चन हमने सॉल्व करके आपके सामने यहां चिपका दिया, ये हो गया इस पे। जब तक हम सॉल्व नहीं करते तब तक हमें भी संतुष्टि नहीं मिलती, मजा आता है सॉल्व फिजिक्स विजिक्स करने में, तो ये यहां से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यहां से देख सकते हैं। अब उसके जस्ट नीचे हमसे एक क्वेश्चन क्या पूछा था जी, कह दिया है 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकेंड में उत्पन्न उष्मा को बताना है। कह दिया है 20 ओम प्रतिरोध मतलब आर बराबर हमारे पास देखा जाए तो 20 ओम है, कितना हो गया, 20 ओम है, ठीक। एक विद्युत स्त्री 5 एम्पियर मतलब आई की वैल्यू कितना दे रखा है, 5 एम्पियर लेती है, कितना समय चलती है, 30 सेकेंड, मतलब टी की वैल्यू कितना दे रखा है, 30 सेकेंड दे रखा, उत्पन्न उष्मा एच की वैल्यू हमें क्या कर देनी, यहां से निकालनी है, तो हम आप फार्मूला यहां से लगाते हैं दोबारा, एच बराबर हमारे पास क्या होता है, आई स्क्वायर में आर टी होता, ठीक है, तो एच बराबर आई की वैल्यू कितना दे रखा, आई की वैल्यू 5 दे रखी, तो 5 का स्क्वायर गुणे में आर की वैल्यू कितना दे रखी, 20 हो गया, मल्टीपल में 30 हो गया, क्योंकि टाइम 30 दे रखा, तो एच बराबर 5 में 25 गुणे में 20 गुणे में 30, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, एच बराबर देखा जाए तो 25 दूना 50 यानी 500 हो जाएगा, गुणे में कितना हो जाएगा, 30, तो एच बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 3 15, तो हमारे पास 15 हो जाएगा, 15 हो गया यहां पर, 5 3 15 1 2 3 0, तो हमारे पास इतना जूल हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये तुम्हारे पास आंसर ये हो गया, मतलब ये देखा जाए तो इसका आंसर है, ठीक। अब यहां से क्या हो जाएगा, आप यहां से इसे देख सकते हैं, ठीक है, तो ये हमने सॉल्व करके यहां रख दिया, ठीक है। अब सॉल्व संग संग करेंगे तो आपको मजा आएगा थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे चलते हैं चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर पूछा है तुमसे क्या, ठीक है, अब इधर थोड़ा सा तेजी आते हैं भाई, ठीक है। लिखा दो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती, मतलब दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती, ये तुम्हें बताना पड़ेगा। और दूसरा क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के गुण के बारे में तुम्हें लिखना पड़ेगा, या तुम्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारा के चालक पर आरोपित बल अधिकतम तुम्हें बताना पड़ेगा इसके बारे में। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं आपके सामने। यहां लिखा है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर परिच्छेद करें तो परिच्छेप यानी परिच्छेद करने वाले बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दो दिशाएं होगी,
मगर ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए क्या होता है, एक दूसरे से कभी परछेद नहीं करती। कहने का मतलब ये देखा जाए, चुंबक है तो ये नॉर्थ पोल होता है साउथ पोल, नॉर्थ पोल से हमेशा निकलता है साउथ पोल में, ऐसे क्या हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां से इंटर करती है, ठीक। इसीलिए एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये हो गया इनके बारे में, ठीक। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, कह दिया चुंबकीय क्षेत्र का गुण तुम्हें बताना, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र होती है, वक्र मतलब देखो इस तरह से निकली और यहां पर क्या हो जाएगी अंदर चली जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगी वक्र हो जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव के अंदर में प्रवेश करती है, यही लिखा है कि नहीं, ये हो गया। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, ये तुम सोचो काटे तो कभी पॉसिबल नहीं है। चुंबक, ठीक है, कि ध्रुव के समीप जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, मतलब ये वाले रीजन पे देखा जाए, पोल वाले रीजन पे यहां और यहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है ज्यादा होता है, तो यहां से बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा है जी, कह रखा किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारा वाही चालकों का आरोपित बल का अधिकतम मान कब होगा, अधिकतम मान कब होगा, तो तुम्हें क्या कर देना, इधर थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देना। तो लिखा है ये वाला क्वेश्चन, यहां से लिखेंगे क्या, जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कार्यरत बल के लिए व्यंजक जो होता है यह बराबर बी आई साइन थीटा होता है, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, आई बराबर धारा होता है, एल बराबर चालक की लंबाई होती है, थीटा बराबर किस एंगल पे रखा गया उसे वो बताता है, ठीक है, ये हो गया, बीच का कोण बताता है। अब आता है एफ का मान, जब ठीक है एफ का मान कब निर्भर करता है, जब यानी जीरो का मान कितना रखा, थीटा का मान 90 डिग्री रखा जाए तो अधिकतम होगा। कहने का मतलब क्या होता है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं तो हम क्या करेंगे, यदि चुंबक को ऐसे रखेंगे तो विद्युत धाराएं ज्यादा वो लपेटेगी, ठीक, वही चीज वहां एक्सप्लेन कर देना तुम्हें यहां से डिटेल में, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है, ये होगा। तो मतलब यही हमने अटेम्प्ट कर दिया, अथवा तुम्हें मन कर रहा तो ये करने के लिए तो ये कर दीजिए, हमने यही ऊपर वाला भी किया है, ठीक है। फ्यूज तार वगैरह कहेंगे तो लगा दिया जाएगा, फ्यूज का हमने यूज किया है, ठीक है, फ्यूज कहेंगे तो फ्यूज बार बार पूछा तो हम यहाँ पर आंसर इसे दे देते हैं, ठीक है। फ्यूज तार विद्युत संधारित्व को किस प्रकार बचाता, सबसे पहले फ्यूज एक ये क्या होती है, सुरक्षा युक्ति होती है जो परिपथ और संधारित्व को सुरक्षा प्रदान करती है। फ्यूज एक ऐसी यानी ऐसा धातु या मिश्र धातु का बना होता है, ठीक, तार का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, ये पॉइंट आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब किसका, एल्युमिनियम कॉपर यानी आयरन वगैरह सबका बना सकते हो। काम कैसे करता है, सबसे पहले ये विद्युत परिपथ में लगा दिया जाता है, अधिक मान पर विद्युत धारा के प्रवाहित यदि होगी, मान लेते हैं आपके घर में ज्यादा बिजली आती है तो जो फ्यूज होता है तार में तापमान मतलब गर्मी ज्यादा होगी तो भन्न से पिघल जाएगा और टूट जाएगा, जिससे हमारे घर के पूरा सामान क्या हो जाएगा, बच जाएगा, इसी पे ये वर्क करता है भाई, ठीक है। तो ये लिख देंगे इसके बारे में, ठीक है, तो ये हमारे था यहां से उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, यहां से याद रखिए आपका 1, 2, 3, 4 नंबर जो तुम्हारे पास, ये संतुलित करने के लिए है, किसके लिए, ये संतुलित करने के लिए। अब ये जब संतुलित करेंगे तो आपको 4 नंबर यहां से टोटल टोटल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम संतुलित करके आपको बताते हैं, ठीक है। यहां से देखिए, तो पहले पढ़ लेते हैं, लिखा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया कराना है, जो आएगा उसे लिखना है। फिर तुम्हारे पास तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, तब लिखना। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के साथ संयोग कराने पर क्या होता है, तब लिखना है। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ दहन कराने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, तब इसे, मतलब इन दोनों को वर्ड इक्वेशन लिखा है तो इसमें केमिकल इक्वेशन लिख के फिर तुम्हें संतुलित करना रहेगा। संतुलित करोगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, यहां से 4 नंबर आपका मिल जाने वाला। आपके सामने ये क्वेश्चन है उपखंड का, यह सबसे पहले लिखा तनु सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हमने ले लिया। दानेदार जिंक, मतलब इसे हम लिखते चलते हैं, ठीक है, H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 है। अब इसे जिंक के साथ मतलब ZN के साथ अभिक्रिया यदि कराया जाता है, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि यहां पर विस्थापन अभिक्रिया होती है, ये वाला बस ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्या कर देता है, इसे हटा देता है, ये साइड में हो जाते हैं, तो यहां पर क्या हो जाता है, अकेले तनहाई अब इनकी जिंदगी यहां चल रही है हाइड्रोजन से, ठीक है। अरे जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास ए है और यहां से बी है और एक बंदा सी है, मतलब एक प्यारी सी जिंदगी चल रही है, किसी तीसरी पार्टी का इंटर होना और ए को धक्का मार के साइड में कर देना, इन्हीं को हम विस्थापन अभिक्रिया को बोलते हैं भाई, ठीक। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो ये वाला पोर्शन जो होता है ये तुम्हारे पास कमजोर है, इसीलिए जिंदगी में स्ट्रांग बनी है भाई, ठीक है, तो इसी को बैलेंस कर देना। हमने लिख दिया तो देखा जिंक जिंक सल्फेट सल्फेट H2SO, मतलब ये तुम्हारे पास बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक। नीचे क्वेश्चन तुमसे यही ले रखा है,
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया कराना पड़ेगा, मतलब तनु या सीएल ले लेते हैं, या सीएल ले लेते हैं और यहां से क्या लेते हैं मैग्नीशियम ले लेते हैं। रिएक्शन जब कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा MgCl2 बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा H2 बनेगा। बैलेंस करो, यहां पर मैग्नीशियम एक, मैग्नीशियम एक, क्लोरीन यहां पर दो है, मतलब यहां से हम दो से गुणा करा देंगे, हाइड्रोजन दो, मतलब ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। ठीक, ऐसे आपका क्या हो जाएगा, ये बैलेंसिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर तीन को पूछा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग करके अमोनिया बनाता है। सबसे पहले नाइट्रोजन ले लेंगे, अब प्लस में क्या ले लेंगे हाइड्रोजन ले लेंगे, अब क्रिया करके क्या बना दिया NaH3 बना दिया। अब आते हैं नाइट्रोजन यहां पर दो है मगर नाइट्रोजन यहां पर एक है, तो मतलब हमने दो से गुणा करा दिया, मतलब नाइट्रोजन का टेंशन खत्म। हाइड्रोजन पे आते हैं, हाइड्रोजन तीन दूना छह हो जाएगा, यहां पर दो है, मतलब तीन से हमें यहां पर भी गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस हो गया यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा है, हाइड्रोजन सल्फाइड वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, प्लस में जल बनता है। सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S हो जाएगा, किसके साथ वायु के साथ अभिक्रिया करने पर, मतलब O2 के साथ अभिक्रिया करा दिया गया। ये क्या बना दिया, सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड मतलब सल्फर और ये डाइऑक्साइड बना दिया, और क्या बना दिया जल, तो जल यहां पर निकल गया। अब इसे बैलेंस करना, हाइड्रोजन यहां पर कितना दो, यहां पर दो, इसकी टेंशन खत्म। सल्फर पे आते हैं, सल्फर यहां सल्फर खत्म। ऑक्सीजन पे आते हैं, ठीक है ऑक्सीजन पे आते हैं दो, यहाँ पर तीन, मतलब यहाँ से हम तीन से गुणा करें, तीन दूना छः, मतलब दो से यहाँ गुणाना पड़ेगा, दो से यहाँ से, मतलब ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा संतुलित अभिक्रिया हो गई आपके सामने। तो इतना आप क्या करेंगे संतुलित कर देंगे, ठीक है, तो आपको कितना नंबर यहाँ से मिल जाएगा, चार नंबर आपका यहाँ से भन्न से बन जाने वाला, ठीक है, चार नंबर यहाँ से बन जाने वाला। ठीक, यहाँ से छठा नंबर क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा, यहाँ से लिखा तुम्हारे पास प्लेटेनियम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, क्यों, दो नंबर का निष्कर्षण प्रक्रम कार्बोनेट और सल्फाइड एस को उसके ऑक्साइड में परिवर्तन करना, दो नंबर यहां से, मतलब दो नंबर इससे, दो नंबर इससे, इन दोनों नंबर से दो दो, चार नंबर आपका यहां बन जाने वाला। अब इसका आंसर हम देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक, लिखा प्लेटेनियम और सोना चांदी का उपयोग हम आभूषण बनाने के लिए क्यों करते हैं। प्लेटेनियम सोना चांदी तुम्हारे पास क्या होते हैं, सबसे कम अभिक्रियाशीलता होती है, मतलब जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते। मगर अब तुम बताओ किसे बना दिया जाए, लोहा का बना दिया जाए तो क्या होगा, जंग पकड़ लेगा, जल्दी खराब होगा। ठीक, लिखा ये ऑक्सीजन आर्द्रता अम्ल और अन्य गैसों की अभिक्रिया जल्दी नहीं करते मगर कईयों साल लग जाता है। ठीक है, ये धातुएं क्या होती है, तन्यता का गुण होता है, मतलब इसे तुम तार के फॉर्म में करते हो। आघात वर्धनता मतलब ये क्या होती है, चमकदार होती है, ठीक, चमकदार यहां पर लिखे हैं, ठीक है, ये चमकदार होती है, इसलिए हम धातु का जो प्रयोग है इन सब का हम आभूषण बनाने में किया जाता है। उसी का नेक्स्ट क्वेश्चन यहां सामने दे रखा है, इसे आप ध्यान से सुनिए, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, ठीक है, लिखा है निष्कर्षण प्रक्रम द्वारा कार्बोनेट और सल्फाइड एसको को उसके ऑक्साइड में परिवर्तन करना, दो नंबर का बन जाता है यहां से। तो सबसे पहले देखो क्या निष्कर्षण किसे कहते हैं, इसे सुनिए, लिखा धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, निष्कर्षण कहलाता है। ठीक, अब उसके कार्बोनेट को उसको ऑक्साइड में बदलना, तो कार्बोनेट अयस्क यहां लिए, तो क्या हो रहा है, कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम निस्तापन बोलते हैं। सबसे पहले हम क्या ले लिए, एक जिंक कार्बोनेट लिए, इसे गर्म किया जाता है वायु की अनुपस्थिति, मतलब हवा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड बनता प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हवा के फार्म में, गैस के फार्म में उड़ जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, निस्तापन बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से वही, अब देखो हमने कार्बोनेट को चेंज किया, अब सल्फाइड को चेंज करना, तो सल्फाइड एस को लेंगे वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, किसको, वायु की उपस्थिति में, यही दो वर्ड सुनना, अनुपस्थिति उपस्थिति, मतलब इसमें उपस्थिति में गर्म करने पर उच्च ताप पर तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, भार्जन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भार्जन बोलते हैं। तो जिंक सल्फेट लिए हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किए हैं, तो जिंक ऑक्साइड बन गया प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये उड़ जाएगा, हमारे पास यही बच जाएगा, यही तुम्हारे पास क्या कहलाता है, भार्जन कहलाता है। ठीक, ये लिख दिया हमने यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन यहां से लिखा, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, सहसंयोजी आबंध के कुमित कोई दो लक्षण तुम्हें लिखना, मतलब पहले सहसंयोजी बंध लिखना है दो नंबर, फिर ये तुम्हारे पास आईयूपीएसी नाम लिखना है दो नंबर, ये लिखना है तो दो नंबर, तो दो दो कितना हो जाएगा, दो तीन छह नंबर यहां से बन जाने वाला है। तो सबसे पहले हम सहसंयोजी बंध के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, लिखिए सहसंयोजी बंध क्या होता है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, दो लक्षण लिखना, दो पर
परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के युग्मक यानी साझेदारी से बना बंध को आबंध को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। मतलब कोई हमारे पास क्या दे रखा है, दो इलेक्ट्रॉन दे रखा है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो युग्मों की साझेदारी होती है तो उनसे एक बंध का निर्माण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। अब लक्षण लिखना, ये क्या होते हैं, ये सामान्य दशाओं में द्रव और गैस में पाए जाते हैं। मतलब ये जो होते हैं सामान्य दशाओं में द्रव और गैस में पाए जाते हैं। ये यौगिक जल से, ठीक है, जल से, जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। मतलब सहसंयोजी बंध से जो भी यौगिक बने हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। तो इतना आप लिख देंगे, दो नंबर यहां से बन जाएगा, ठीक। उसी के जस्ट नीचे हमें दे रखा है इसका यूपीएससी नेम लिखना, इन दोनों का यूपीएससी नेम लिखना। तो इसका यूपीएससी नेम तुम्हारे पास क्या होगा, यहां से दे रखा। देखिए, एक कार्बन दो कार्बन, ये सीएचओ ग्रुप मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये एक दो तीन, तीन कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रोप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड एन, और एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं एल, तो यहां प्रोपेनल हो जाएगा, ठीक। इस पे आ जाते हैं, एक दो तीन मतलब तीन कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोप यूज करते हैं। सब में सिंगल बॉन्ड एन हो जाएगा, ये तुम्हारे पास कीटोन ग्रुप, कीटोन ग्रुप के लिए ओ या नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा, जो आपके फार्मूला सामने ये हो गया, ठीक। ये हो गया इनके बारे में। अब इसी पे हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछा, कठोर जल को साबुन से अपचयित करने पर झाग का निर्माण बचाना है, ये समझाना है तुम्हें, ये भी बताएंगे। तो दो दो चार दो छह नंबर आपका यहां से बन जाएगा। तो कठोर जल के बारे में यहां से आपके सामने ये रहा लिखा, क्या, कठोर जल को साबुन से अपचयित कराने पर झाग का निर्माण को समझाइए। कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं, ठीक, ये लिख दिए। जब साबुन कैल्शियम मैग्नीशियम आयन से क्रिया करता है तो अघुलनशील और छेप बनाता, ठीक, मतलब नीचे बैठ जाता। और इसमैग मतलब जो झाग है, झाग बनने से साबुन यानी झाग बहुत कम बनता, मतलब इसमैग जो बनता उससे झाग बहुत कम बनता, साबुन अत्यधिक उपयोगी करना पड़ता। उसे जब बताओ इसमैग बनेगा, ठीक है, नीचे तरल जब बैठ जाएगा तो हमें बार बार साबुन लगाना पड़ेगा, रगड़ना पड़ेगा, तो हमारा कपड़ा साफ होगा, ठीक है। तो ये साबुन सोडियम यानी सोडियम तुम्हारे पास क्या दे रखा है, इतना बड़ा ये सोडियम क्या दे रखा है, इसमें कैल्शियम ऐड किया जाता है तो नीचे और छेप बन के ये बैठ जाता है, ठीक है, और इससे तुम्हारे पास काम हो जाता है सोडियम आयन के रूप में। तो ये तुम्हें दिखा देना है पूरा डिटेल में, छह नंबर यहां से आपका बन जाएगा, सहसंयोजी बंध, आईपीएससी नेम और ये। तो ये करेंगे दो 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 चार दो छह नंबर का, ठीक है, ये हो जाएगा काम खत्म, ठीक है। और वो भी तुम्हें नहीं आता तो यहाँ पर अथवा करके भी दिया गया, इसे भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। देखिए हमने किया है, ठीक, किया तो है भाई, ठीक है, दिखा दे भाई, ठीक, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा भाई, चलो कोई टेंशन नहीं, लेंदी नहीं होगा भाई, ठीक। यहाँ पर विकृत गंधिता, रेडॉक्स अभिक्रिया, एसिडीकरण के बारे में बताना है, ठीक है। तो विकृत गंधिता के बारे में आप देख लीजिए, यहाँ पर विकृत गंधिता क्या होता है, जब हमारा जो खाना होता है, ठीक है, खाना होता है उसमें तेल होते हैं और मसाले होते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उसका स्वाद में बदल जाता है, उसी को विकृत गंधिता बोलते हैं। लिखा, क्या, खाद्य पदार्थों के उपस्थित तेल वसा के मंद ऑक्सीकरण से स्वाद और गंध में बदल जाता है, जिसे हम विकृत गंधिता बोलते हैं। बचाव के लिए क्या करना पड़ेगा, वायुरोधी क्या कर देंगे, डिब्बे में रख देंगे, फ्रिज के अंदर रख देंगे, यानी प्रतिक्रियाकारक का यूज कर लेंगे, ठीक। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण के साथ साथ क्या होता है, अपचयन भी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब रेडॉक्स देखा जाए तो इंग्लिश में देखेंगे तो रेडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक। यहां पर देखिए ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन यहां से क्या हो गया, हट गया, तो इसलिए क्या बोलता है, अपचयन, और ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया तो इसलिए क्या बोलते हैं, उपचयन। मतलब एक ही अभिक्रिया में दोनों हुआ इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास नीचे दे रखा है, एसिटीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, एसिटीकरण अभिक्रिया, ठीक है, एसिटीकरण मतलब एस्टर का बनना ही क्या कहलाता है, एसिटीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लेकिन वे अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल को एल्कोहल के साथ, ठीक है, क्रिया करके एथिल एसीटेट बनाता, क्या बनता है, एथिल एसीटेट, और जल का निर्माण करता तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक, उसे एसीटेट करिए। ये अभिक्रिया जो होती है मधुर यानी सुगंध जो रहेगी बहुत मधुर आती है, बहुत मजा आता। तो सबसे पहले एसिटिक एसिड ले लिए हैं और एथिल एल्कोहल ले लिए, और यहां से क्या कर देंगे, ये वाला जो है तो यहां से पानी तुम्हारे पास रिमूव होकर साइड में चल जाएगा, एथिल एसीटेट बना देगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिटीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसी को आप दिखा देना, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहां से नीचे तुमसे दे रखा है
आठवां नंबर क्वेश्चन तुमसे दे रखा है, देखिए ये पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा। चार नंबर का है, लिखा जैव नवीनीकरण और गैर जैव नवीनीकरण पदार्थों में अंतर बताना और उसका उदाहरण भी तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहां से हो गया, इसके बारे में आप यहां से सुन लीजिए इसके बारे में, ठीक है। जैव नवीनीकरण और गैर जैव नवीनीकरण, इसे बायोडिग्रेडेबल और इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ऐसा पदार्थ जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए तोड़ दिया जाता है उसे बायोडिग्रेडेबल, जो नहीं तोड़ पाता उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। लिखे वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम अपघटित हो जाते हैं, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित मतलब जो जीव रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं, उनके द्वारा तोड़ दिए जाते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जैव नवीनीकरण बोलते हैं, ठीक। जैसे सब्जी के छिलके सड़ जाता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे कट कर देते हैं, रद्दी कागज हो गया, गोबर हो गया, इसे बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत आता। नॉन बायोडिग्रेडेबल वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, ये तुम्हें कईयों साल, करोड़ों साल, लाखों लाखों साल लग जाएंगे इसे गलाने में। नायलॉन हो गया, शीशा हो गया, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कट नहीं किए जा सकते। जैव नवीनीकरण पदार्थ सूक्ष्म जीव अपना प्रभाव करते हैं और उसे क्या कर देते हैं, सरल पदार्थों में बदल देते हैं, मगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें किसी भी सूक्ष्म जीवों का प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो लिखा क्या हो, अजैव नवीनीकरण पदार्थ सूक्ष्म जीवों का प्रभाव नहीं पड़ता और सरल पदार्थों में नहीं टूट पाते, इसलिए क्या बोलते हैं, इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो यहाँ बायोडिग्रेडेबल और यहाँ से नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया यहाँ से, ठीक है। अब यहां से तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा है जी, ये वाला, ठीक है, इसमें तुम्हें बताना पड़ेगा इसके बारे में। अब यहां से तुम्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये चलिए, ये नौवां वाला क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये डायग्राम थोड़ा सा स्पष्ट दिख रही रहा है, ठीक, कौन किसे किया है, बुक से हम क्या करेंगे इसे बता देंगे, ठीक है। इसका हम एक सेपरेट वीडियो इसी में डाल देंगे, ठीक, इसे हम कर देंगे, अभी तुरंत बना देते हैं, टेंशन नहीं है, ठीक है। ये हो गया दसवां नंबर क्वेश्चन, यहां से आप अटेम्प्ट कर दीजिए, ठीक है। ज्यादा टाइम हो रहा भाई, 50 हो गया घंटा होने वाला भाई, जीबी भी खत्म होने वाली, रैम खत्म होने वाला, ठीक है। ये हो गया आपका दसवां नंबर क्वेश्चन, लिखा ये पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, फिर इस क्वेश्चन से तुम्हें एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो चार नंबर यहां से आपका मिल जाने वाला। इसे एक बार प्लीज आप रीड करिए, हम इसका क्वेश्चन आंसर यहां से आपको बता देते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन रहेगा आपको हम सेपरेट एक वीडियो बना के इस पर भी डाल देंगे, ठीक है। ये क्योंकि ये प्रकाश यहाँ पर 6 नंबर का लिपापोती करेंगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि ये देखा जाए तो ये वाला जो क्वेश्चन है, पहले ऊपर वाला क्वेश्चन समझते हैं, लिंग निर्धारण का वंशागति वाला, ठीक है, ठीक, इसे हम दोनों को समझ लेते हैं, ठीक। लिखा लिंग निर्धारण वंशागत कैसे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए सबसे पहले मनुष्य में कितने 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, और जिसमें 44 कायिकी गुणसूत्र कहलाते हैं, दो जो तुम्हारे पास एक जोड़ी होते हैं वो तुम्हारे पास गुणसूत्र यानी हेट्रोसोम्स कहलाते हैं, जो लिंग का क्या कर देते हैं, ये लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। नर में देखा जाए तो यक्ष वाई होता है और मादा में देखा जाए तो यक्ष गुणसूत्र होते हैं, ये पहले का आंसर है। दूसरा यहां से आप समझेंगे, ठीक है, दूसरा लिखा है बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। सबसे पहले नर में यक्ष वाई और मादा में क्या होता है, यक्ष गुणसूत्र होता है, अब इन्हीं के बीच में निषेचन होता है। 44 गुण क्रोमोसोम को तोड़ा जाए तो 22 यक्ष और 22 वाई होता है। मान लेते हैं इससे से यक्ष आता और इससे यक्ष आता तो गर्ल्स पैदा होगी, मान लेते हैं इससे यक्ष आता इनसे सॉरी यहां से वाई आता यहां से यक्ष आता तो क्या हो जाएगी, बॉयज पैदा होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं इसका जो 22 आया यहां पर और इसका मान लेते हैं 22 ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला थोड़ा दिखा देते हैं, ठीक, ये वाला पोर्शन यहां से ये वाला यहां पर, तो 22 गुना 44 हो जाएगा यक्ष और यक्ष यहां पर क्या हो जाएगा, यक्ष। इस कंडीशन में क्या पैदा होगी, लड़की पैदा होगी, क्या होगी, लड़की। बट तुम्हारे पास देखा जाए यदि इसमें देखा जाए तो ये 22 और वाई 22 प्लस में वाई और यहां से 22 प्लस में एक्स, क्योंकि ये तुम्हारे पास क्या हो गए, मादा हो गए, फीमेल है मतलब आपकी मदर है, ये तुम्हारे पास क्या होना है, पिता है, ठीक है। मान लेते पिता से 22 प्लस में वाई आता है और 22 प्लस में एक्स आता है तो हमारे पास कितना 22 44 हो जाएगा, एक्स और वाई मिलकर यहां हो जाएंगे, तो लिंग का क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। तो इस कंडीशन में लड़का पैदा होगा, क्या होगा, लड़का पैदा, तो इसीलिए निर्धारण किया जाता है। लिंग निर्धारण में दी गई क्रियाकलाप एक्स एन वाई तुम्हारे पास क्या हो गए, यानी क्रिया विधि कहलाती है, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई क्रिया विधि बोलते हैं। तो ये था हमारे टोटल और टोटल क्वेश्चन इनके बारे में। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इस पे पूरा डिटेल पे रहेगा, क्योंकि ये 6 नंबर का है और तुम यदि तुम 7 सेट उठा के देखो तो 5 से लेके 6 सेट में एज इट इज ये 4 से या 6 नंबर में पूछा गया, तो इसमें लिपापोती नहीं की जाएगी, इसे पूरा अच्छे से आपको दोनों समझाएगा, ये भी और ये भी बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।